थे, आप कितने करते थे सारे करते। अब सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी केबल आ गया है, सिस्टम बहुत बदल गया। पहले हम हमारे टाइम में क्या फाइट करते थे, तो पक्के गिरना पड़ता था हम लोग को, ग्लास ब्रेक करते रियल करना पड़ता। अभी केबल आ गया, हीरो भी जंप करता है। पहले हर चीज़ में आधुनिकता आ गई है जी, हर चीज़ में आधुनिकता आ गई है, बहुत चेंज हो गया, बहुत कंप्यूटर भी आ गया है, केबल सिस्टम जानते नहीं आप, केबल के वायर बांध दिया, रोड रहा है, प्लेट सब उड़ रहा है। हमारे टाइम में केबल नहीं था, हम लोग पक्के में गिरना पड़ता था, वो चेंज हो गया। मैन पावर थे, मैन पावर स्टंट करते थे, अब सारा एनिमेशन पे आ गया है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है? अब स्टंट को थोड़ी सेफ्टी होगी ना, पहले आते थे फाइटर यहाँ से गिर रहा है, वहाँ गिर रहा है, किसी हड्डी टूट रही है, कि हाथ पैर टूट रहे हैं, कुछ वहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ कुछ मिलता नहीं, इंश्योरेंस नहीं होता हम लोग का। अभी अक्षय कुमार ने कुछ किया हमारे लिए, तो उसने जो, मैं तो टायर जैसा हो गया हूँ, जो 50 साल तक जो स्टंट मैन है उनके लिए इंश्योर करवा दिया, जबकि हमारी इंश्योरेंस होता ही नहीं स्टंट में, क्योंकि मौत से खेलते हम लोग, मैं 2-3 बार मौत से बचा हूँ। कौन कौन से हीरो के साथ आपने काम करने का मौका मिला? मैंने इंडस्ट्री में कोई हीरो छोड़ा नहीं, डुप्लीकेट भी किए मैंने, फाइट भी किए, और हीरो साथ में काम किया। एक बात, कोई महत्वपूर्ण फिल्म है जिसमें आपके स्टैंड आए? महत्वपूर्ण तो मेरे बहुत पिक्चर, अपना गुरु, हम भी विशाल, पूर्व काटे, और बॉम्बे पिक्चर। एक ग्रामीण परिवेश से, एक छोटे से गांव से वहां तक पहुंचे हैं, कितना कठिन है, कितना है? कठिन क्या है, बहुत वहां तो स्ट्रगल, एक मेरी स्ट्रगल नहीं हुई। एक चीज होता क्या था, मैं जॉब करता था कंपनी के अंदर, तो शाम को मेरे 6 बजे छुट्टी मिल जाती थी, तो वहाँ बॉम्बे नटराज स्टूडियो है, वहाँ पब्लिक खड़ी होती थी, मैं भी जाता था शाम को, तो हीरो आते देखता, मैं भी देखता था, ऐसे देखता, सब देखते थे, तो करते उसे मेरे बाद में से दोस्ती हो गई स्टूडियो की, तो बाद में जहाँ मैं जॉब करता था वही उसका घर था। तो एक दिन जा रहा था बाद में, मेरे वो भाई, भाई कैसे हो आप, ऐसे क्या, हाँ अरे आप तो स्टूडियो बाहर आते हो ना, मैं दिखाओ ना, मेरे स्टूडियो दिखाओ ना, बोले कल आ जाओ। सेकेंड डे से शाम को पैक हुआ, मैं चला गया, देखे अंदर घुसा, पहली बार मेरे वो प्रेम चोपड़ा मिला, खड़े थे बच्चा, खड़ा हो देखने लगे, और एक विलन था फाइट, पुराना पिक्चर में था, वो जूलिन अंकल का, अब तो ऑफ हो गए, उनको देखकर मेरे फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाया तो मैं इतना खुश हो गया, इतना खुशी नहीं, मैं हीरो के साथ देखा, हीरो देख, सबको हीरो देख लिया। एक दिन क्या, मैं कंपनी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दिया, तो उस टाइम में रवि खन्ना फाइट मास्टर बहुत टॉप के थे, रवि खन्ना अमिताभ को बनाने वाले वही है, राज बब्बर को बनाने वाले वही है, संजीव कुमार को बनाने वाले, एक्शन डायरेक्टर रवि खन्ना उस टाइम में दौर में बहुत बड़े स्टंट डायरेक्टर थे। तो उनका बेटा कॉलेज पढ़ता था उधर, मेरे दीदी उसकी मेरी दोस्ती हो गई, किसने बताया, रवि खन्ना बेटा, रवि खन्ना बेटा मेरे पास मेरी दोस्ती होगी, अरे वो रवि खन्ना बेटा है, मैं सरप्राइज यार, तो मेरी दोस्ती होगी, फिर वो अपने घर पे लेके जाने लग गया, तो उसे डैडी से मिलवाया, रवि खन्ना साहब से मैं मिला कर, क्या करते हो, मैं पेंटिंग करता हूँ, तो उनका बेटा झूठ है ना, झूठ प्रैक्टिस करता फाइट की, तो मैं बॉक्सिंग करता था, प्रैक्टिस करता फाइट की, तो कह रहा तुम भी करो ना यार, मैं भाई मेरे को हड्डी थोड़ा शौक नहीं है, नहीं नहीं यार कर, मैं मेरे शौक नहीं यार, फिर मैं ब्लो मारना, रिएक्शन लेना, फ्रंट बैग मारना, थोड़ा सीख गया मैं, स्टार्ट हुआ। फिर पहली बार फिर मैं सोचा अपना क्या करना है, फिर मेरा कार्ड बन गया, उस जमाने में कार्ड बना था मेरा 300 रुपये, और आज के टाइम कार्ड है 150,000-1.5 लाख। ये तो जो आउटडोर जा रहे, कश्मीर जा रहे थे, तारा चलेगा, मैं चलूँगा भाई, फिर जा घूम के आएंगे, चलो फिर वहाँ से ड्रेस पहना दी मेरे को, और राइडिंग थी, राइडिंग कभी घोड़े बैठा नहीं कभी, कभी फिर 2-3 फाइटर थे, मैं यार मैं तो सीखा नहीं यार, जब बैठ जा यार, कोई कोई बह जा बैठे घोड़े पे, जा रहा डर डर लंबा छोड़ था, करते बच गया, 2-3 पास दिया, खुश हो गया, मैं भी पास हो गया, इसके बाद मेरे रास्ते खुल गए, करते 4-5 साल करते वहाँ करता रहा, रवि खन्ना साहब पास, फिर मैं वीरू देवगन का आउटडोर शूटिंग जा रही थी, तो मैं पहली बार गया किसी फाइटर पर जाओ, वीरू के पास जाओ, उनका ऑफिस था
अजय देखो बात करो चंदन टागे वहाँ ऑफिस था, मैं जाके खड़ा हो गया और फाइटर खड़े थे, वो उनका एक्सीडेंट होता ना एक्सीडेंट, वो आया बाहर, कौन कौन फाइटर आए, मैं भी खड़ा ऐसा, ओए तू फाइटर का, मैं हाँ पाजी मैं फाइटर, ऑर्डर चलेगा थोड़ी मेहरबानी। पहली बार मैं बेंगलोर गया तो उनके साथ पहली बार एक दो शॉट दिए अच्छे, लास्टिंग दिए, गिरना पड़ना आ कैन सब दिया, वीरू देवन खुश हो गए यारे मुंडे बनाया करो किस्मत कहा, वहीं से शुरुआत होगी सारे। मैं फाइटर बन गया हूँ यार, हर शॉट हो गए वीरू मास्टर बोल तारे ने बुलाओ, तारे ने बुलाओ, हाँ पाई किए ऊपर आ जाओ, मैं हाँ पाई पेडी पहना गया, कैमरा एक्शन तारा नीचे, ओए लगी नहीं नन्हे पाई नहीं लगी, करते 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 फिर डुप्लीकेट करने लग गया, फाइट करने लग गए, फिर बाद में मास्टर बन गया फाइट मास्टर, डायरेक्टर कर रहा हूँ अभी, मैं शूटिंग करके आ रहा हूँ जीजाई छत पर है मेरा सीक्वेंस आएगा, ट्रेन भाग रही है, ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया, हीरोइन ऊपर चढ़े हुए उसके ऊपर, क्या सीक्वेंस बनाया मैंने, और शायद मंडे को आएगा आपको चार देख लेना, पूरी मेहनत का फल है। राजस्थानी फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी फिल्म कभी देखा नहीं, पिक्चर नहीं देखी मैंने, राजस्थान वहाँ बनती है, राजस्थान को पिक्चर मिल जाएगी तो मैं एक्शन करूँगा उसका, काम करने का मौका मिला जरूर और एक्शन करूँगा उसका। पंजाबी सिनेमा भी तो पिछड़ता नहीं करता, ओनली सिर्फ हिंदी करता, भोजपुरी नहीं करता।